विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट, जिसका बल्ला ऑस्ट्रेलिया में कहर बरपा रहा है। विरोधी टीमों में उसका खौफ साफ दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया का कोई सा भी मैदान हो, ये मान लीजिए कि विराट का फेवरेट मैदान है। बात चाहे मेलबर्न में पाकिस्तान की धुनाई की हो या फिर सिडनी में नीदरलैंड के खिलाफ धमाके की, विराट जमकर रन बना रहे हैं। पर्थ में इस बल्लेबाज का साथ पिच ने नहीं दिया, वरना विराट यहां भी बल्ले से गदर मचाते। पर्थ के बाद टीम इंडिया अगली लड़ाई के लिए एडिलेड पहुंच गई है। इस मैदान पर विराट के रिकॉर्ड बहुत शानदार हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम एडिलेड के मैदान पर बांग्लादेश से भिड़ेगी। इस मैदान पर टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली का बल्ला खूब धमाल मचाता है। तेज गेंदबाजों के लिए मददगार इस पिच पर कोहली ने एक T20 मुकाबला खेला है, उसमें भी विराट के बल्ले ने खूब आग उगली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 188 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसमें विराट कोहली ने 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 90 रन की पारी खेली थी। ऐसे में एक बार फिर विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ इस मैदान पर अपना जलवा बिखेर सकते हैं। एडिलेड में विराट कोहली एकमात्र T20 मुकाबले में भले ही शतक से चूक गए हो, लेकिन इससे पहले उन्होंने यहां टेस्ट और वनडे क्रिकेट में कई बड़ी पारियां खेली हैं। इस मैदान पर उन्होंने अब तक कुल 4 शतक जड़े हैं। इस मैदान पर विराट कोहली टेस्ट में 2 शतक और वनडे में भी शतक लगाए हैं। ऐसे में बांग्लादेशी गेंदबाजों को विराट कोहली से सावधान रहना होगा। इस समय विराट कोहली जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया को जीत दिलाकर वो सेमीफाइनल की टिकट पक्का करने का चांस छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब जरा विराट कोहली के बांग्लादेश के खिलाफ आंकड़ों की भी बात की जाए तो कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ अब तक 4 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इसमें उन्होंने 64.50 की औसत से 129 रन बनाए हैं। एक बार वो अर्धशतक भी लगा चुके हैं। इस तरह से देखें तो स्टेडियम और विरोधी टीम दोनों ही विराट को रास आ सकती हैं। फॉर्म में वापसी के बाद विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। ऐसे में उनका बल्ला एक बार फिर रन बनाने के लिए बेकरार होगा। मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में विराट अब तक 3 मैचों में 156 रन बना चुके हैं और बात उनके ओवरऑल वर्ल्ड कप करें तो उनके 1000 रन भी पूरे हो गए हैं। साथ ही अब उनकी नजर वर्ल्ड कप में नंबर 1 बल्लेबाज बनने पर टिकी हुई है, जिससे वो कुछ कदम दूर हैं।